इस वीडियो में मैं आपको सलवार की कटिंग व सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि ये हमारा 3.5 मीटर कपड़ा है, इसमें से हमें 36 इंच की सलवार तैयार करनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले कपड़े में से पार्ट निकालने होते हैं। जैसे हमारा कपड़ा ये डबल है, इसको हम ऐसे दोबारा फिर ऐसे डबल करके और इसमें से पार्ट निकालने होते हैं। जैसे हम 36 इंच की सलवार बनाएंगे, उसके लिए हमें 32 इंच के पार्ट लेने होंगे ऐसे, और ऐसे ही हम इधर भी निशान लगाएंगे ऐसे। फिर इसको हम ऐसे अलग कर देंगे। ये हमारे पार्ट निकल गए। पार्ट की चौड़ाई हम ऐसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे दोबारा फोल्ड करेंगे ऐसे। अगर आपको मोरी 5 इंच की करनी होती है तो हमें ऐसे 12 इंच के पार्ट निकालने होते हैं ऐसे। इसको थोड़ा ऐसे पीछे को सरका के ऐसे, ये 6 इंच हो गया। जब ये डबल हो गया तो ये 12 इंच के पार्ट हो गए। अगर आपको मोरी 7 या 8 करनी है तो आप पार्ट की चौड़ाई बढ़ा सकती है, 7 या 8 तक कर सकते हो ऐसे। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, इधर से भी आप ऐसे नाप सकती हो ऐसे। इधर भी ये 6 इंच के हो गए और इधर भी 6 इंच के। फिर इसमें हम ऐसे निशान लगा लेंगे पूरे पे। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे निकाल लेंगे ऐसे खोल के। पार्ट की चौड़ाई ये 12 इंच की हो गई ऐसे। ये पार्ट निकल गए। जो ये कपड़ा बचा है इसमें से हम कली निकालेंगे ऐसे। कली के लिए भी हमें ऐसे 32 इंच, ये 32 इंच के हमने पार्ट लिए लंबाई में, और कली भी हम ऐसे 32 इंच की लेंगे। आप चाहो तो कली 32.5 इंच की ले सकते हो, क्योंकि जब हम कली काटते हैं थोड़ी कली छोटी बड़ी हो जाती है ऐसे। फिर इसको हम ऐसे डबल कर लेते हैं ऐसे। फिर आप ऐसे दोबारा नाप सकते हो ऐसे। यहाँ पे 32.5 हो गया, और फिर इधर से भी इधर 32.5 हो गया। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं इसके बाद। इसको ऐसे खोल के फिर ऐसे दोबारा ऐसे मोड़ लेते हैं ऐसे। इधर से भी आप ऐसे ये कोना मिला लेते हैं। फिर कली के लिए हम ऐसे एक सिरा उठा के और इसको ऐसे मिलाते हैं फिर आप ऐसे। जो हमारे कली की ये नीचे की नेट जो मोरी में कली आएगी उसको हम ऐसे ऐसे 2 इंच की चौड़ाई रखते हैं, आधा इंच सिलाई में आ जाएगी, और कुछ जिस नीचे से हम मोरी बनाएंगे मोरी में आ जाएगी। और ऐसे ही हम इधर से नापते हैं ऐसे।
अगर आपको कम लगता है तो आप ऐसे थोड़ी कली आगे को सरका के कपड़ा ऐसे ये बराबर कर लेते हैं, 2 इंच की इधर से हो गई। इसके बाद इसकी कटिंग करते हैं। जो ये जोड़ा है इसको हम ऐसे हटा देते हैं। इसके बाद ऐसे दोनों, ये चार कली हो गई, चारों कली को ऐसे एक साथ मिला के इसको हम ऐसे करते हैं। इधर से हम आसन काटेंगे। आसन का निशान हम 9 इंच पे लगाएंगे ऐसे। 5 इंच तैयार बेल्ट हो जाएगी और 8 इंच तैयार ये हो जाएगा। कुछ इधर आधा इंच सिलाई में आएगा, ऊपर सिलाई में आएगा, तो 13 इंच की आसन तैयार हो जाएगा। इसको हम ऐसे सीधा काट देते हैं। इसके बाद जो कली ऊपर से जुड़ी हुई है इसको भी हम अलग कर लेते हैं। ये सलवार की कली हो गई। इसके बाद हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट हम इस मिस में से निकालेंगे जो हमने पार्ट के बराबर से कपड़ा निकाला था। ये बेल्ट की लंबाई हम 7 इंच लेंगे। ये थोड़ी ज्यादा है तो आप सिलाई में ले सकते हैं। ये 7 इंच की हो गई, 32 इंच की लंबाई सलवार की हो गई। 1.5 इंच ऊपर नेफे में आएगा, आधा इंच नीचे सिलाई में आएगा और मोरी में आएगा, तो 36 इंच की सलवार तैयार हो जाएगी। और बेल्ट की लंबाई हम 22 इंच करेंगे, आधा इंच इधर छोड़ेंगे और आधा इंच इधर, तो 22.5 पे निशान लगा देंगे। आधा इंच इधर सिलाई में आएगी, आधा इंच इधर, तो 22 इंच बेल्ट तैयार हो जाएगी। इसको भी हम बीच में से जो जुड़ी है इसको अलग कर लेते हैं। अब मैं इसकी सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम सलवार की बेल्ट तैयार करते हैं। उसके लिए हमें ये बीच में जोड़ लगाना होता है। अगर आपकी बेल्ट बिना जोड़ के निकलती है तो जोड़ लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें हम पहले ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने एक सिलाई ये खड़ी लगा दी, उसके बाद ऐसे कन्नी को नीचे दबा के एक सिलाई ऐसे ऊपर लगाते हैं। जैसे हमने ये जोड़ लगा दिया, इसके बाद हम इधर जोड़ लगाएंगे। इस पहले हम नेफे के लिए ऐसे दोनों तरफ से ऐसे मोड़ लेंगे और फिर ये सीधी सिलाई लगाएंगे। और इधर भी हम ऐसे ही अंदर को कन्नी मोड़ के फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ऐसे। जैसे हमने ये सिलाई लगा दी और जो हमने नेफे के लिए मोड़ा था इसमें भी हमने सिलाई लगा दी। इसके बाद ऐसे नेफा मोड़ते हैं ऐसे करके, और ऐसे अंदर ऐसे करके मोड़ के ऐसे सीधी सिलाई लगाते हैं।
जैसे हमारी बेल्ट तैयार हो गई नेफा मुड़ के, इसके बाद हम सलवार की कली और पाट जोड़ेंगे। उसके लिए जैसे ये पाट है, ये एक पाट निकाल लिया हमने और ये चार कली है, ऐसे दो कली निकाल ली। इसके लिए हम पहले ऐसे पाट में कली जोड़ेंगे, ऐसे ऊपर ऐसे सिरे को मिला के दोनों सिरों को, और नीचे ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। जैसे ही एक कली हमने जोड़ दी, अब दूसरी कली को भी ऐसे ही जोड़ेंगे, ऐसे ये भी ऊपर से ऐसे दोनों सिरों को मिला के और सीधी सिलाई लगा देंगे, और ऐसे ही हम दूसरा पाट और कली भी ऐसे ही जोड़ के तैयार कर लेंगे। ये पाट और कली जुड़ के तैयार हो गए, दोनों साइड कली है और बीच में पाट है, ऐसे ही हमने दूसरा पांचा भी ऐसे ही तैयार किया है। इसके बाद हम इसमें आसन जोड़ते हैं, ऐसे ये इस एक पांचे का आसन है और इधर से दूसरे पांचे का आसन है, ऐसे इसको हम ऐसे आपस में जोड़ते हैं, ऐसे ऊपर से दोनों सिरे मिला के और ऐसे सीधी सिलाई लगाते हैं। जैसे हमने एक खड़ी सिलाई लगा दी, इसके बाद ऐसे कन्नी को मोड़ के ऊपर, ऐसे कन्नी को दबाने के लिए एक सिलाई ऊपर लगाएंगे और ऐसे ही हम दूसरे आसन को भी ऐसे ही जोड़ेंगे। जैसे कि दोनों तरफ के आसन सील के हमने तैयार कर लिया, इसके बाद हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। बेल्ट में हम चुन्नट भरेंगे, चुन्नट के लिए जैसे ये पिछला सिरा हो गया और इसको ऐसे करके बराबर, ये अगला सिरा हो गया, ये पिछला हो गया, ऐसे इधर दोनों तरफ कट लगाएंगे, क्योंकि बेल्ट के चौथाई हिस्से तक प्लेट गिरती है, ऐसे इधर भी एक कट आ गया बराबर में और इधर भी एक कट आ गया बराबर में। इसके बाद हम इसे सलवार में जोड़ेंगे। इसके लिए ऐसे जैसे ये आसन है और ये हमारा अगला सिरा है, इसको ऐसे सलवार को हम ऐसे सीधा करेंगे और ऐसे ऐसे आसन वाले जोड़ से, और ये जो खिसकत ये हमारी बेल्ट का जोड़ है, इसको हम ऐसे मिलाएंगे, ऐसे फिर इसमें हम ऐसे चुन्नट डालेंगे। चुन्नट के लिए जैसे आप पहले नाप, ऐसे नाप ले लेना, जो हमारी ये पिछले वाला आसन है, इसको ऐसे पिछले वाले जो जोड़ है बेल्ट का, इस पे मिला के ऐसे इसमें हम दो चौड़ी बड़ी चुन्नट डालेंगे, ऐसे एक एक इंच की, ऐसे करके और ऐसे, ये चुन्नट हो गई और इसकी बराबर जो हमने बेल्ट में कट लगाया है यहाँ तक, हम ऐसे सिंपल सिलाई लगाएंगे। तो आप ऐसे यहाँ कट लगा सकती हो, ऐसे सलवार की कली में, और ऐसे ही इसको ऐसे इधर बराबर नाप के ऐसे दोनों कली में, दोनों 500 की कली में आप ऐसे कट लगा लेते हैं ये, और इस कट तक हम सारी प्लेटें इसके अंदर ही डालेंगे जो हमने निशान लगाया है बेल्ट में, इस कट से और इस कट तक, और इससे आपका चुन्नट बड़ी बड़ी और ऐसे गिनके गिनके डालनी है, ऐसे एक एक इंच की, ऐसे। अगर आप कट से बाहर चुन्नट डालोगे तो मोरी घूमने लगती है और सलवार की फिटिंग भी खराब हो जाती है।
चाहो तो आप गिन के चौड़ी प्लेट डाल सकते हो, या आप बारीक बारीक भी जैसे गिन के खूब आराम से ऐसे प्लेट डाल सकते हो ऐसे। प्लेट इस तरह से डालनी होती है ताकि दोनों कट एक जगह आ जाए। ऐसे करके और फिर इसको ऐसे करके ऐसे चौड़ी चौड़ी प्लेट पूरे सलवार में कट तक ऐसे ही डालनी होती है। देखो जैसे ये कली का कट आ गया और ये बेल्ट का कट आ गया, इस कट को ऐसे मिला के और चुन्नट को हम ऐसे कट तक लाएंगे ऐसे, और ये सारी चुन्नट इस कट तक ही ऐसे आ गई ऐसे। इसके बाद सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर जो ये आसन का जोड़ है और ये बेल्ट का जोड़ है, इन जोड़ को दोनों को ऐसे मिला के, और जो ये कपड़ा बचा है इसमें हम ऐसे दो चुन्नट डालेंगे, एक ऐसे जोड़ से मिला के और दूसरी इसके बराबर में ऐसे। और फिर दूसरी साइड भी ऐसे ही डालेंगे। जैसे ये चुन्नट हमने इधर को डाली है और ये चुन्नट हम इधर डालेंगे ऐसे करके, और इधर भी ऐसे जो हमने बेल्ट में कट लगाया है और इस कली में कट लगाया है, इन दोनों कट को ऐसे मिला के आपस में, तब ऐसे चुन्नट डालनी होती है ऐसे। ये दोनों चुन्नट हो गई, दोनों के मुंह इधर को हो गए और इधर वाली के इधर को हो गए। फिर इस कट तक ऐसे ही सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद फिर इधर वाली चुन्नट डालेंगे। ये चुन्नट हमने ऐसे डाली थी और ये चुन्नट हम ऐसे डालेंगे इधर को ऐसे ऊपर की साइड। ऐसे वो 1-1 इंच की, या आप चौड़ी डालनी चाहो तो आप चौड़ी भी डाल सकते हो। ऐसे पूरे यहाँ ये जो ये हमारा जोड़ है आसन का, यहाँ तक हम ऐसे ही चुन्नट डालेंगे। ऐसे एक दूसरी चुन्नट पे ऐसे रख के जैसे ये हमारा ये जोड़ा गया।
अब जो ये कपड़ा बचा है और ये जगह बची है, ये चुन्नट हम इसमें ही ऐसे डाल लेते हैं ऐसे। ये पूरी चुन्नट ऐसे डल के तैयार हो गई। जैसे ये चुन्नट इधर को हो गई और इधर वाली चुन्नट इधर को हो गई, इधर को, इसलिए जो हम सलवार पहनते हैं तो उसके घूम अच्छे से पड़ते हैं। अगर हम चुन्नट एक साइड को ही कर देंगे तो एक पाँचा घूमने लगता है। इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, ऐसे सलवार को सीधा करके ऐसे, और जो अंदर सिलाई है उसे दबाने के लिए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ऐसे बेल्ट के ऊपर। इसके बाद हम मोरी बनाएंगे। मोरी के लिए हम ऐसे इसको मोड़ के ऐसे नाप लेनी होती है ऐसे। जैसे ये मुड़ के 8 इंच हो गई तो खुल के 16 इंच हो गई, तो हमें बुकरम की पट्टी 16 इंच काटनी होगी। और चौड़ाई आप अपने अनुसार कर सकती हो, जैसे हमने 1.25 इंच लिया है, आप 3 इंच या 4 इंच जितनी पहनती हो आप इतनी चौड़ाई ले सकती हो बुकरम की। और इसके लिए हम ऐसे 16 इंच की ये पट्टी काटेंगे। ऐसे इसको ऐसे डबल कर लेंगे क्योंकि दोनों दोनों मोरी में आ जाएंगे ऐसे। जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम ऐसे काट देंगे, फिर इसके इसको ऐसे बीच में से काट देंगे। इसके बाद इसमें हम पट्टी जोड़ने के लिए ऐसे कपड़ा लेंगे। ये कपड़ा हम इससे ऐसे कम से कम 1 इंच ज़्यादा लेंगे ताकि ये ऐसे मुड़ के बुकरम दब जाए। और जो इधर से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी काट लेंगे। इससे पट्टी से हम इसको थोड़ा आप ऐसे ज़्यादा ले सकते हो। इसके बाद हम इसको ऐसे मोरी में जोड़ेंगे ऐसे, या फिर आप अगर आपको दिक्कत होती है तो आप सबसे पहले इसको ऐसे मोड़ लेना ऐसे। इससे मोरी बनाते समय आपको आसानी रहेगी। ऐसे पूरी बुकरम को ऐसे ऐसे सीधी सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद ऐसे सलवार की ऐसे पांचा खोल के ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे पट्टी रख के ऐसे, और ऐसे सीधी सिलाई लगा लेते हैं बुकरम के ऊपर को ही। इसके बाद इसको ऐसे सीधा करके और इसको ऐसे पलट लेते हैं और फिर ऐसे कन्नी पे सिलाई लगाते हैं।
जैसे हमने एक कन्नी पे सिलाई लगा के तैयार कर ली, इसके बाद हम ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि बुकरम दब जाए। उसके लिए हमें ऐसे थोड़ा कपड़े को ऐसे कर लेना होता है ताकि कपड़े में सलवट ना आए, ऐसे थोड़ा इधर को, क्योंकि जब हम ऊपर सिलाई लगाते हैं तो कपड़ा थोड़ा सिकुड़ जाता है। ऐसे, और फिर ऐसे जो ये हमारी बुकरम चमकती है इसके ऊपर ऐसे सीधी सिलाई लगा देते हैं। जैसे ये ऊपर और नीचे हमने दोनों सिलाई लगा दी, इसके बाद हम एक एक पंचा छोड़ के एक एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। जैसे हमने ये सिलाई लगा के तैयार कर दी, दो इधर लग गई सिलाई, दो इधर लग गई। अब बीच में आप किसी भी प्रकार का डिजाइन बना सकती हो। वैसे आपको मैं एक सिंपल सा डिजाइन बता रही हूँ। जैसे हम इधर से इस कोने से ऐसे सिलाई करते हैं, ऐसे करते हैं, और इस सिलाई को जो हमारे नीचे वाली सिलाई है उस तक रोक देते हैं। इसके बाद फिर ऐसे ही फिर से सिलाई लगाते हैं और फिर इस सिलाई में रोक देते हैं। ऐसे ही हम पूरी मोरी में डिजाइन बना देंगे ऐसे। मैंने ये डिजाइन बना दिया। ये डिजाइन आप ये नहीं कि आप नाप के बनाऊंगी, आप इसको छोटा आकार भी दे सकती हो और इससे बड़ा भी दे सकती हो। इसके बाद इसमें हम ऐसे दो दो सिलाई और लगाएंगे, ऐसे एक पंजे की जगह छोड़ के, और इस सिलाई के ऊपर हम यहाँ पे रोकेंगे इससे आगे जहाँ हमने पहले मशीन को रोक के चलाई थी, ये ऐसे। ऐसे चलाएंगे सिलाई के बीच में हम एक पंजे की जगह छोड़ेंगे। ऐसे पूरी मोरी में हम जो हमने डिजाइन बनाया है हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे ऐसे। जैसे हमने ये दो सिलाई लगा दी, इसके बाद हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे ऐसे ही एक पंजे की जगह छोड़ के ऐसे। ऐसे पूरी मोरी में हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। जैसे ये हमारी मोरी तैयार हो गई, अगर आप चाहो तो इसमें हम जैसे हम कांटा बोलते हैं उसमें आप एक सिलाई और कर सकती हो, और यहाँ पे भी इससे आप और घिनका डिजाइन हो जाएगा। इसके बाद साइड की सिलाई लगाते हैं। जैसे हमने ये मोरी तैयार कर ली, ऐसे ही हम दूसरे पांचे की मोरी तैयार करते हैं और उसके बाद हम बराबर की सिलाई लगाते हैं। सिलाई के लिए आप पहले मोरी ऐसे मोरी नापना होता है। अगर हमें 5 इंच की मोरी करनी तैयार करनी है तो आप 5 इंच में निशान लगाएंगे ऐसे, और अगर आपको 6 इंच की करनी तो 6 पर लगाएंगे ऐसे। हमें ऐसे 5.5 इंच की मोरी तैयार करनी है, उसके लिए हमने यहाँ निशान लगा दिया। इसके बाद ऐसे जहाँ तक कली है आप ऐसे फीते को तिरछा करके ऐसे सीधा निशान ऐसे लगा लेते हैं। इससे आपकी सलवार की फिटिंग अच्छी आएगी। अगर आप ऐसे बिल्कुल तिरछी करके सिलाई लगाओगे किनारे पे तो पीछे से सलवार की फिटिंग खराब हो जाएगी ऐसे, और ऊपर हम ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके और आसन तक सिलाई लगाते हैं, और जो हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम काट लेते हैं।
ऐसे। इसके बाद इसमें ऐसे सीधी सिलाई लगाते हैं। ये सेमी पटियाला सलवार बनकर तैयार हो गई।